एबी डिविलियर्स ने भी यही प्रिडिक्ट, जो दुनिया का जिसे मिस्टर 360 कहते हैं, और इन्होंने पैसों का मिस्टर 360 बनाया हुआ है सूर्य को। ठीक है, तो इंडिया शुभमन गिल के बाद कौन से सीनियर प्लेयर है? विराट कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है ना, विराट कोहली को किसने ट्रेन किया है? तेंदुलकर और धोनी, उनकी भी तो देखो ना। शुभमन गिल से कल पूछा गया कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, उसने साफ कहा कि मेरा फेवरेट प्लेयर है और मेरा जो कैरियर को लाने वाला और कैरियर के एंड तक लेके जाना है मुझे विराट कोहली है। मैं जिस तरह इतना बड़ा प्लेयर जिस जब विराट कोहली पीक में था उस टाइम उस बंदे ने विराट कोहली को 3 साल अपने से आगे नहीं आने दिया, ठीक है। वो बंदा जब कह रहा है यार बाबर आजम और उनके अब विराट को उसने कहा, गौतम गंभीर ने खुद कहा था बाबर आजम आग लगाने वाला, तो उनके पास भी इतने बड़े प्लेयर नहीं थे जितना बाबर आजम बड़ा प्लेयर है। क्या उनकी नजर में बाबर आजम उन सबसे बड़ा प्लेयर है? हमारी नजर में तो है। तो यही प्रिंस का मैं यही कहूंगा यार, ये तो नाइंसाफी है। बाबर आजम के साथ एक एजेंडा चलाया हुआ है उनको नंबर वन पोजीशन से हटवाने का, पर वो अपनी परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह कल डोमिनेट कर देगा, फिर से वही इंडिया का मुंह काला का काला ही हो जाएगा। तो अगर सर वो लोग इतना पैसा लगा रहे हैं तो पैसा लगा के तो फिर फाइनल भी जीत सकते हैं। आप कह रहे हैं कि वो अगर फाइनल में पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान हरा देगा। पाकिस्तान अब नहीं खरीद सकते ना, पाकिस्तान के पास अब एक लीडर है जो टीम को इकट्ठा करके चलता है, वो बिकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला ना बिकने वाला है, खान की तरह, ठीक है, जिस तरह हमारा खान है, तो वो इनसे नहीं बिकने वाला। हाँ अगर कोई और न्यूजीलैंड आ गई तो वो हिसाब किताब करके फाइनल जीत जाए तो ये अलग बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। अच्छा अचानक वो आया, उसकी डबल हंड्रेड आई और आप देखे एक साल के अंदर वो बंदा रैंक वन करने पे चला गया। बाबर आजम कभी 6 पॉइंट से रैंकिंग में भर जाता है, कभी 4 पॉइंट से भर जाता है, कभी 3 पॉइंट से भर जाता है। हमारा जो किंग है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखे, ना कि उनका पैसों का प्रिंस आके ना जो उनकी पोजीशन छीन ले। उसके अंदर ना आपको पुल शॉट में रोहित शर्मा नजर आएगा, कवर ड्राइव के अंदर विराट कोहली नजर आएगा। कल तक वो 50वें नंबर पे नहीं था, आज वो नंबर वन पे आ गया, कैसे आ गया आया? तो उसके लिए आप बाबर भी बीट करना कोई मुश्किल नहीं है, और वो देखे वहां का प्रिंस बन चुका है। पहले शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी मारी है, मैंने कहा लो भी इंडिया के पास दूसरा विराट कोहली आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। सर शुभमन इज ऑल सेट टू रिप्लेस बाबर, क्या कहेंगे? यार देखें वो बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, शुभमन गिल विराट कोहली के पास इंडिया के पास एक वही ऐसा बैट्समैन आया जो जिसकी बैटिंग हम बहुत इंजॉय करते हैं। लाइक देखो जब लास्ट टाइम स्टार्ट जब ये 2023 स्टार्ट हुआ था, पहले शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी मारी है, मैंने कहा लो भी इंडिया के पास दूसरा विराट कोहली आ गया। उसकी कवर ड्राइव, उसकी पुल शॉट, उसके अंदर ना आपको पुल शॉट में रोहित शर्मा नजर आएगा, कवर ड्राइव के अंदर विराट कोहली नजर आएगा, और प्रेशर इनिंग के अंदर जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी एक दफा जब पाकिस्तान ने बहुत बुरे तरीके से इंडिया को हराने की कोशिश की थी। बेसिकली बात पता है कि वलीद बाबर आजम किसके साथ खेल रहा है? बाबर आजम था अपने साथ ही खेल रहे हैं, बाबर आजम को कोई लीडर नहीं है उसके पास। इंडिया शुभमन गिल के बाद कौन से सीनियर प्लेयर है? विराट कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है ना, कोहली को किसने विराट कोहली को किसने ट्रेन किया है? तेंदुलकर और धोनी, उनकी कैप्टनसी में खेला हुआ है। अब वो शुभमन गिल किनकी कैप्टनसी में खेल रहा है? रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, ठीक है ना। बाबर आजम किसकी? खुद कैप्टन है और खुद ही परफॉर्मेंस दे रहा है, खुद ही नेट प्रैक्टिस करता है, ईच एंड एवरीथिंग वो अकेला कर रहा है। देखें जिस तरह कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है ये आउटस्टैंडिंग है। अगर बाबर आजम को देखें तो उसका डाउनफॉल शुरू हुआ है। अब कोई भी प्लेयर अगर उसका डाउनफॉल चल रहा है और आप कहें कि कोई नया बच्चा आकर उसको बीट नहीं कर सकता तो ये गलत बात होगी। बाबर आजम नो डाउट वो एक अच्छा प्लेयर है, हम मान रहे हैं और हमारे लिए वो किंग है, लेकिन आप देखें कि आज से एक साल पीछे चले जाए तो बाबर तो हर जगह हो रही थी, लेकिन किसी को भी ये प्रिंस शिरिंस का नाम नहीं पता था, किसी को भी ये नहीं पता था कि शुभमन गिल कौन है। हम अगर हम बात भी अगर इंडियन टीम में से किसी की करते थे तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, बैट्समैन लेजेंड्स की बात कर रहे थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था ये गिल है कौन है, कहाँ से अचानक वो आया, उसकी डबल हंड्रेड आई और आप देखे एक साल के अंदर वो बंदा रैंक वन करने पे चला गया। अभी आगे चलो, एक साल में शुभमन गिल ने रिकॉर्ड तोड़ा है बाबर आजम का। आप अगर कंसिस्टेंसी से इसको पीछे देखे तो बाबर आजम कभी 6 पॉइंट से रैंकिंग में भर जाता है, कभी 4 पॉइंट से भर जाता है, कभी 3 पॉइंट से भर जाता है, ऐसे हो रहा है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं। अगर बाबर की फॉर्म वापस नहीं आई तो आप सबके सामने है कि इस टाइम वो बीट कर चुका है, मोस्टली 1-2 पॉइंट्स का फर्क रह गया है, वो आप देखें नेक्स्ट जो वेडनेसडे आता है क्या बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है और जिस तरह वो ना बॉलर को बॉलर ही नहीं समझ रहा, वो ना आप देखें जब भी वो विकेट पे आता है कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर दूसरा कोई प्लेयर आउट हो रहा है या दूसरी साइड से विकेट जा रही है तो उसने कभी प्रेशर नहीं लिया, ना कभी उसने स्लो खेलना शुरू कर दिया। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बाबर आजम को बीट नहीं कर सकता। प्रोबेबली
उसने कर दिया हुआ है। और मे भी अगर बाबर आजम की फॉर्म वापस ना आई तो 190% चांसेस है जो बंदा कोहली को बीट कर रहा है, जो बंदा हिटमैन को बीट कर रहा है, तो उसके लिए अब बाबर भी बीट करना कोई मुश्किल नहीं है। और वो देखें वहाँ का प्रिंस बन चुका है, बिल्कुल कर रहे हैं। आप नंबर वन बैट्समैन से कमबैक एक्सपेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, वो दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है। हाँ नहीं चल रहा, वो थोड़े उसके हार्ड लक है मैं कहूँगा, और उसकी बैड लक भी साथ में कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से वो आउट हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली आउट हो रहा है, वैसे आउट उसका होना बनता नहीं था। तो ये अप्स एंड डाउन तो हर बड़े प्लेयर पे आते हैं, विराट कोहली पे भी आया है, सिर्फ वाहिद एबी डिविलियर्स जिसमें नहीं आया, पर बाबर आजम पे भी इतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम वो वैसे डाउनफॉल नहीं है जिस विराट कोहली का है। विराट कोहली के सबसे ज़्यादा डक्स में विराट कोहली का नाम भी शामिल हो गया है तेंदुलकर के बाद, तो बाबर आजम कम मेरे ख्याल से कम ही डक्स हैं। और बाबर आजम को रिप्लेस, हाँ शायद बाबर आजम से कल 72 या 70 रन ना हो, पर एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका बैट आग उगलता है। तो हमें नजर यही आ रहा है, जो बाबर आजम ने अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है, और हम चाहते भी यही है जो हमारा जो किंग है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखे, ना कि उनका पैसों का प्रिंस आके ना जो उनकी पोजीशन छीन ले। पैसों का प्रिंस जो बीसीसीआई पैसा फेंक रही है, तो इस वजह से रैंकिंग, कल तक वो 50वें नंबर पे नहीं था, आज वो नंबर वन पे आ गया। कैसे आ गया? जब नीदरलैंड के खिलाफ मैच हुआ, बाबर ने 162 स्कोर किया, तो बाबर को 5 पॉइंट मिले हैं, 8 पॉइंट, और वही स्कोर नीदरलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने किया 62, 100 माइनस कर गए, तो शुभमन गिल को उन्होंने 5 पॉइंट दिया, 8 और 5। सेंचुरी में सिर्फ बाबर की सेंचुरी थी, उसका 62 था, तो 3 पॉइंट का फर्क होता है। कोई ये पैसा ही फेंक रहे, और हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी हम ये कहेंगे, जो आईसीसी पैसों पे चल रहा है बीसीसीआई के, ना क्या आईसीसी बीसीसीआई को चला रहा है। ये मैं कहता हूँ, ये बाबर आजम के लिए सबसे ज्यादा अचीवमेंट वाली चीज है, चाहे शुभमन गिल के लिए, शुभमन गिल के सीनियर प्लेयर उसको काफी चीजें हिट कर देते हैं, बाबर आजम को ये चीजें हिट नहीं मिल रही, इसी वजह से शुभमन गिल के ज्यादा आगे स्कोर बन रहे हैं। अगर बाबर आजम को ये चीजें मिली होती ना आईसीसी के विराट कोहली के टाकरों पे, तो आया हुआ है और इससे भी ज्यादा होता। अगर देखो शुभमन गिल की बैटिंग स्टाइल, उसके खेलने का तरीका इतना इजी होकर खेलता है ना, वो हमारे बाबर को वो मौका नहीं मिलता। बाबर को पता मैं आउट हो गया, पीछे से पूरी टीम बुक। यार ये भी तो देखो ना, शुभमन गिल से कल पूछा गया कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, उसने साफ कहा कि मेरा फेवरेट प्लेयर है और मेरा जो कैरियर को लाने वाला और कैरियर के एंड तक लेके जाना है, मुझे विराट कोहली है। मैं विराट कोहली, सबका विराट कोहली, विराट, उसने कहा विराट सर, ठीक है ना, मैं उसकी कैप्टनशिप पे भी खेला हूँ, उसने मुझे काफी मेरा, और उसने अपना बेस्ट फ्रेंड भी बताया, ठीक है ना, ईशान उसका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना। और देखिए ना, बात यही है कि बाबर आजम किसकी कैप्टनशिप में खेला हुआ है, कोई भी नहीं, कोई हाल बेचारे को बाबर आजम को लीड करने वाला नहीं है, वो अपने रिकॉर्ड को कैसे रोके, अकेला स्कोर करेगा तो ही मैच जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। आप देखे शुभमन गिल की परफॉर्मेंस, उसको बैकअप करने वाले, उसके कोचिज, उनका स्टाफ, उसकी हेल्थ को केयर करने वाले, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं है। हम इसलिए शुभमन गिल का, बाबर आजम का रिकॉर्ड दोनों की बड़ी बात नहीं है। शुभमन गिल आज उसने पीछे बड़ा स्कोर किया है, 92 किया है, ठीक है। बाबर आजम अगर अगले मैचेस में परफॉर्म नहीं करेगा, ये आप 100% लिखवा लो, इंडिया के आगे आने वाले मैचेस के अंदर वो फिर सेंचुरी करेगा। उसका जो मैच है आपका नीदरलैंड के साथ मैच है, छोटे मैचेस रह गए हैं, और कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला शुभमन गिल, नो डाउट है। शुभमन गिल एक बड़ा बैट्समैन है, दुनिया में अपना नाम बनाने वाला है, इतनी कम एज है यार, ना एक दफा चमकता है, चमक रहा है उसका, उसकी एज कितनी है यार, इतनी छोटी सी एज है, बाबर आजम का भी सितारा चमक नहीं रहा वहाँ पे। अब इतने मेरे ख्याल से कोहली की बात तो होती थी, लेकिन कोहली तो गया, अब इसका एराज शुरू हो रहा है। मतलब ये जैसे कहते थे ना कि कोहली को इस जो जनरेशन है, ये जो सेंचुरी है, इसमें कोई बीट नहीं कर सकता, और इसी तरह मुझे लग रहा है जैसा गिल परफॉर्म कर रहा है, कोई भी मैच ऐसा, मैं अरसा ही हो गया कभी उसे देखा हो कि वो गोल्डन डक पे आउट हो, तो कभी नहीं होता ऐसा। और जिस तरह वो कंसिस्टेंसी की तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, आप देखे हर बंदे के नाम पे ना प्रिंस का नाम आता है, अब पहले नहीं आता था। और अगर हम बात करें कि प्रेशर हैंडल, आप देख ले अगर दूसरी साइड से उसकी विकेटें गिरती हैं इंडिया की, तो प्रिंस कभी भी उसको लगते नहीं है, वो अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा होता है, भाई लग रहा है ठीक है। तो क्या लगता है कि ये जो ओवरऑल इंडिया का इमेज क्रिएट हुआ हुआ है, क्या ये पैसों का खेल है? तो पैसों का खेल है ऑब्वियसली बात, और क्या कि बच्चों की तरह हमें समझ नहीं आती, हम क्रिकेट नहीं देखते, किस तरह से श्रीलंका को वो आउट कर रहे हैं अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड कप में, ऐसा तो नहीं होता ना। चलो पाकिस्तान से हाँ उनके खिलाफ परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, ठीक है, तो हम
अब वो ये चाहते हैं जो पाकिस्तान को, अब वो क्यों कह रहे हैं जो सेमीफाइनल में, जो एबी डिविलियर्स ने भी यही प्रिडिक्ट, जो दुनिया का जिसे मिस्टर 360 कहते हैं और इन्होंने पैसों का मिस्टर 360 बनाया हुआ है सूर्या को, तो एबी डिविलियर्स ने भी यही प्रिडिक्ट, जो दुनिया का जिसे मिस्टर 360 कहते हैं और इन्होंने पैसों का मिस्टर 360 बनाया हुआ है सूर्या को, तो बाबर आजम कितनी देर से नंबर वन बैट्समैन है, 4 साल से अभी एक साल में शुभमन गिल ने रिकॉर्ड तोड़ा है बाबर आजम का, टूट गया समझो, आपको क्या लगता है नहीं टूटा अभी, अभी बाबर आजम के भी 2 मैचेस हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अगर बाबर आजम को भी ऐसे ही प्लेयर सीनियर प्लेयर मिले होते ना आई बिलीव के, और ये गिल ना उसके पास को भी नहीं लग रहा यार, हम पाकिस्तानी देखो ना, आप जिसे सच्चाई को मान नहीं रहे हो, ये सच्चाई को मानना पड़ेगा, वो बाबर आजम को रिप्लेस कर जाएगा जो विराट कोहली यार, बाबर आजम, बाबर आजम ब्रांड है मैं खुद मानता हूँ, बाबर आजम यार देखो बाबर आजम हुआ है यार वो, ये मैं बताता हूँ ना कंफ्यूज क्यों है, ठीक है ना, अब देखें उसके ऊपर क्या कंफ्यूज है, टीम को लेके पूरा, ठीक है ना, मैनेजमेंट को लेके, फील्डिंग को लेके, बॉलिंग को लेके वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाता, इंडिया के बाद कोई भी प्रेशर नहीं है, इंडिया का जो भी डिसीजन लेना है ठीक है ना उनकी मैनेजमेंट ने कैप्टन से पूछ के लेना है, ठीक है, हर चीज सबके साथ मिलके होती है, वो तो शायद डिविलियर के जूते से भी नहीं मिलता सूर्या कुमार यादव, क्योंकि उनकी आग ठंडी नहीं हुई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल वाली, वो कहते हैं हमें पोल वाले मैच हराने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान को न मात दे, और ये सिर्फ इनका ख्वाब ही रह जाना है, अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में कदम रख दिया तो इंडिया पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता है, एबी डिविलियर्स ने भी यही प्रिडिक्ट, जो दुनिया का जिसे मिस्टर 360 कहते हैं और इन्होंने पैसों का मिस्टर 360 बनाया हुआ है सूर्या को, वो अपनी रोटेशन जो अपनी बैट की रखता है वो रखता है, उसी तरफ अगर बाबर आजम को ले आए तो वो देखें अगर दूसरे विकेट से फाल होने लग जाए तो बाबर आजम काफी स्लो चला जाता है, बोले बीट करना शुरू कर देता है और वट एवर काफी स्लो इनिंग ले जाता है और वहां पे कोई एक गंदा शॉट लगता है और बाबर आजम मिस हो जाता है, तो इसलिए अब बाबर आजम को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यार भाई अपनी कैप्टनसी इस टाइम रिलीव करो, थोड़ी देर छोड़ो, वापस आ जाना, ये नहीं मैं कह रहा कि आप, उससे अच्छा कैप्टन भी नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन वो अपनी जो बैटिंग स्टाइल अपना बैटिंग अपने मेंटली तौर पे ना इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखें जो बाबर आजम है ना, जैसे कोहली था वो भी जब कैप्टनसी में आया एक टाइम पर बड़ा रूज आया जैसे बाबर पर भी आया, उसके बाद उसका डाउनफॉल ऐसा हुआ कि यहाँ तक कि वो कितने मैचेस में ऐसा जो पानी पिला रहा था वो था, लेकिन उसने कैप्टनसी छोड़ी, उसने आपको अपने आप को कमबैक किया और अब आप सबके सामने किंग कहा जाता है विराट कोहली को और प्रिंस कहा जा रहा है शुभमन गिल को, तो इसका मतलब ये है कि किंग के बाद अब यही प्रिंस दोबारा किंग बनेगा किंग बनेगा, क्योंकि यार ये विराट कोहली का ना शायद ये पिछले 3-4 साल रह गए हैं, उम्मीद है कि विराट कोहली पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे, उससे पहले रिटायर नहीं होंगे, उसके बाद जो भी हीरा आएगा कुछ शुभमन गिल का हीरा नजर आएगा, इसके अलावा इंडिया के पास बड़ा भी इतना बड़ा बैट्समैन नजर नहीं आया, इंडिया में जितना भी आप 1983 से आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, जब 1983 से हिस्ट्री उठाएंगे ना वहाँ पे ना सीनियर प्लेयर की इतनी इज्जत की जाती है और उनको इतनी इज्जत दी जाती है, हमारे सीनियर प्लेयर आज क्या है बेचारे, कोई तबसरा कर रहा है वसीम अकरम जैसा बोलर, वो कमेंट्री करके पैसे कमा रहे हैं, हाँ जी ये इज्जत मिल रही है, ठीक है ना, हम लोग हमारे पाकिस्तान के कोच क्या करे, अब इंडिया का कोच पता कौन है, राहुल द्रविड़, उन्होंने इंडिया का ही कोच लिया हुआ है, क्यों, वो सीनियर प्लेयर है, हमारा कोच कौन है, मिकी आर्थर, हम लोग बाहर से उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान के कोचिज को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे और ना करते हैं, हम बाहर जाके बाहर के कोचिज को 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ दे रहे हैं, हम लोग अपने मोहम्मद आसिफ ने 45 लाख रुपए मांगा, मुझे महीने का 45 लाख रुपए दो, मैं आपकी बोलिंग लाइन को कोचिंग करूंगा, नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमसे आप 20 लाख रुपए लो, और यार वो 20 लाख रुपए तो खाली एक बच्चे से ले लेता है जिसको ट्रेनिंग देता है, वो पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, हमारे हम अपने प्लेयर्स की राहुल द्रविड़ आपको पता है अपनी कोच टीम को कोचिंग करने के लिए क्या अर्न कर रहा है, वहां से पता नहीं कितने करोड़ों रुपया ले रहा है, ठीक है ना, अब हम पैसा यार वो कर सकते हैं, यार वो बिल गेट्स है जो भी है क्रिकेट के वो महाबादशाह है, बीसीसीआई वाकई आईसीसी को भी चला रहा है, एसीसी को भी चला रहा है, क्रिकेट इस टाइम इंडिया का जो बोर्ड है ना क्रिकेट बहुत बहुत ज्यादा इंडिया पता क्या स्ट्रेटजी खेल रहा है, उन्होंने अपने प्लेयर्स को इतना पैसा दिया है, ये लो पैसा भर गए हो रज गए हो, अब आपने क्रिकेट खेलनी है, आपके सिर्फ क्रिकेट खेलो, पैसा कमाने की तरफ भूल जाओ, आपको हम आपको मैन ऑफ द मैच नहीं करेंगे, मैन ऑफ द मैच के पैसे भी आप भूल जाओ, सारा कुछ भूल जाओ, आपने अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेली, अपने मुल्क को नंबर वन लेके जाना है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी भी वो बनने जा रहे हैं, अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, अपने कोचेज यूज कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स नंबर वन कर रहे हैं, अपनी रैंकिंग को नंबर वन कर रहे हैं,
मेहनत कर रहे हैं, ये ना कहो कि फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं है ना, वो अपनी मर्जी, अगर वो अपनी मर्जी की पिच, अगर वो अपनी मर्जी की पिचेस बना रहे हैं, दो तीन ओवर स्टे करो, आपको पता लग गया पिच क्या कह रही है, आप जाके पीछे कोचिंग स्टाफ को बता दो यार आने वाले प्लेयर्स को पिच ऐसे बिहेव करिए, बॉल उठ रहा है बैठ रहा है, आगे वाले बॉल पे शॉट मार रही है, करना वो दैट्स इट। जब आपको पता ही नहीं है आपके फ्यूचर के, आपने क्रिकेट कैसे खेलनी है, इंडिया के अंदर जाके रील हो रहे हो, दुआओं से तुम्हारी बात गलत है, दुआएं कर करके हम फाइनल में जा रहे हैं, तुम्हारी ये बात गलत है। मैं तुम्हारी इस बात को ना बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं समझता, मैं बिल्कुल इसको, इस चीज को ना डिनाई करता हूँ। आप देखें इंडिया प्लेयर क्यों इंडिया के पिचेस पे कामयाब है, आपने देखा अगर 4 साल बाद 5 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, वो 5 साल में क्या खेलते हैं, लीग कौन सी खेलते हैं, आईपीएल, आईपीएल के अलावा वो कहीं जाने नहीं देते, ठीक है ना, आईपीएल से ही उन्होंने हर ग्राउंड में खेला है, ठीक है ना, पिचेस चाहे उनके मुताबिक बनी हो, मैं नहीं मानता उन पिचेस, ऑस्ट्रेलिया नहीं परफॉर्म कर रहा, अफ्रीका नहीं परफॉर्म कर रहा, श्रीलंका ने भी परफॉर्म किया, हर कंट्री ने, हर मैच ने अच्छा परफॉर्म किया। सर आपके ख्याल में इस वक्त अगर तो वेंसडे होता तो अब तक तो रिप्लेस हो चुका होता बाबर, तो क्या लगता है कि कल के मैच में बाबर परफॉर्म करके अपनी जगह बचा लेंगे? देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके किसी भी दिन का कोई नहीं पता वो कब अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दे, लेकिन जो कोहली जो है शुमन वो इस टाइम उससे ऊपर चला गया हुआ है, लेकिन अगर बाबर आजम ने, क्योंकि एक मैच है उसके बाद इंग्लैंड के मैच हमारा 4-450 स्कोर अफ्रीका ही मारी उन पिचेस में, ठीक है, ये नहीं है कि वो इंडिया अपनी पिचेस पे, इंडिया को चाहे अपनी पिचेस का नॉलेज है। मैं आपकी एक बात को काटता हूँ, इंडिया वाले बैट्समैन क्यों कामयाब है, ये बड़ी मजे वाली बात है, वो इसलिए कामयाब है जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, उसे आउट ऑफ फॉर्म के फौरन बाद बैकबोन मिल रही है, सुनो उसको सुन मजा आएगा ये बात के, जब विराट कोहली जैसा बैट्समैन भी आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, दोबारा इंजरी से वापस आता है, उसको डायरेक्टली अपनी टीम में नहीं खिलाते, वो पहले कहते हैं हम, जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्लास चलता है, उसे कहते हैं पहले रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करो, हमारे जूनियर्स, अपने जूनियर्स के साथ खेलो, जो भी ग्रो कर रहे हैं वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं, फिर उनको टीम में लेके आते हैं। हमारा क्या है, हमारे किसी भी प्लेयर ने पीएसएल के अंदर डबल सेंचुरी मारी है, ओ भाई हमें विराट कोहली मिल गया, टीम में ले गया, हो यार इनको खिलाओ, बाबर आजम समेत पूरी टीम को फर्स्ट क्लास खिलाओ, कैसे नहीं कामयाब होते। अगर फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे इतने इतने मजेदार बॉलर हैं, इतने इतने खतरनाक बॉलर बैट्समैन हैं, मुझे नहीं लगता फर्स्ट क्लास खेलेंगे दोबारा चांस मिलेगा, यार इनको ग्रास रूट लेवल से दोबारा क्रिकेट खिला के ऊपर लेके आओ, ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसे ऐसे बैट्समैन हमारे पास हैं, बॉलर हैं, पर हम यूटिलाइज नहीं करते, हम कहते पीएसएल में परफॉर्मेंस की ठीक है, इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं आईपीएल नहीं, उनका मेन रीजन ही है रणजी ट्रॉफी, आप ये हिस्ट्री खोल के देख लो, रणजी ट्रॉफी उनकी सबसे बड़ी है यार, है नो डाउट, हमारी पाकिस्तान की भी ट्रॉफी है, कायदे आजम ट्रॉफी से ही आगे जाता है ना, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास कायदे आजम ट्रॉफी है। बेसिकली बात करने का मकसद ये है और कहने का मकसद ये है, इंडिया प्लेयर्स क्यों नहीं बाहर जाते, क्यों, उनको पता था हमें, हम घर बैठे ही सारा कुछ मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मिल रहा है, हमारे पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ 6 महीने से हमारे प्लेयर्स को, पहली पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से दलील हो गए, सबसे पहले जाना किसी दूसरे मुल्क में कौड़ियां खेलने, वहां से पैसे कमा के वापस आएंगे, वही घर नहीं चलाना, जब इंडिया को घर बैठे सारा कुछ मिल रहा है, इंडिया टीम को, पाकिस्तान प्लेयर को घर बैठे, कब में बाबर की परफॉर्मेंस हमें उस तरह से नजर क्यों नहीं आई यार, क्यों परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो, उसने 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी मुझे आप 6 महीने से कुछ तो होगा, तो मैं आपके साथ काम करूंगा कभी नहीं, मैं 1 महीना नहीं काम करूंगा, आपके कैमरा मैन से आप पैसे देने छोड़ देंगे, आपके कैमरा से ये हैंडल नहीं करेगा, ये हालात हैं। जब अब आपके कैमरा मैन को देखना, हम उनकी सेहत देखते हैं, हमें पता नजर आता है उसको, आप ना कुछ खिलाती है ना उसको पे देती है, ठीक है, अब उसको थप्पड़ भी मार देती हैं,